नमस्कार, सिटी पोल लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बंगाल में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है ममता दीदी। जी हां, ममता दीदी ने तमाम दलों को धराशायी कर दिया है। बीजेपी ने भले ही पिछली बार से बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, पर ममता दीदी ने जो कुछ हासिल कर लिया है उसके आगे सब कुछ फेल हो गया है। ममता दीदी ने 292 सीटों के अगर रुझान की बात करें तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस 207 सीटों से भी ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है। तो हम आपको ये रुझान बता रहे हैं इस वक्त की। और बीजेपी जो है महज 81 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, यानी ममता दीदी की फिर से ताजपोशी तय है। जो नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं, पर अभी फिलहाल जो रुझान है वो 200 से भी ज्यादा सीटों पर ममता दीदी वापसी कर रही हैं, यानी बड़ी सफलता बंगाल के अंदर। तमाम दलों को धराशायी कर दिया ममता दीदी ने, या यूं कहें कि ममता दीदी ने व्हील चेयर पर बैठकर सभी को पानी पिला दिया। चाहे पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, या फिर जेपी नड्डा हो, या फिर राहुल गांधी हो, सब धराशायी हो गए ममता दीदी के आगे। तो ममता दीदी की इस बड़ी सफलता पर जो है बधाइयों का तांता लग गया है। अभी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर पहले बधाई दी थी, और अब लालू यादव ने भी बधाई दे दी है। जी हाँ, लालू यादव जो जेल से बाहर आ गए हैं, उन्हें जमानत मिल गई है। चारा घोटाले में वो सजा काट रहे थे, और अब लालू यादव ने बाहर आते ही अब ममता दीदी को गर्मजोशी भरी बधाई दी है। और लालू यादव जब बाहर आ गए हैं और ममता दीदी बंगाल में फिर से वापसी हो रही हैं, तो ये चर्चा बार बार हो रही है कि बिहार में भी खेला होबे। बंगाल में तो खेला हो गया, ममता दीदी फिर से वापसी कर रही है, तो बिहार में अब कौन सा खेला होगा। तो लालू यादव ने जो ट्वीट किया है हम आपको बता रहे हैं। बड़ी ही गर्मजोशी के साथ ममता दीदी को उन्होंने बधाई दी है लालू यादव ने। आपको याद होगा कि चुनाव के पहले भी उन्होंने बतौर दूत अपने बेटे और नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार के तेजस्वी यादव को भेजा था, और तेजस्वी यादव ने कहा था ममता दीदी के पास जाकर कि हम अपने पिता लालू यादव का संदेश लेकर आपके पास आए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो पार्टी साथ खड़ी थी, तेजस्वी यादव, लालू यादव जो इनकी पार्टी है वो साथ खड़ी थी ममता दीदी के, और ममता दीदी की सत्ता में वापसी हो रही है बंगाल के अंदर। तो लालू यादव ने क्या कुछ लिखा हम आपको बता रहे हैं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू ममता जी ऑन द हिस्टोरिक विक्ट्री अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आई विश यू गुड हेल्थ। उनके स्वास्थ्य की भी कामना की है लालू यादव ने, और कहा है कि तमाम दलों के खिलाफ जिस तरह से आपने ऐतिहासिक जीत हासिल की है उसके लिए गर्मजोशी भरी बधाई दे रहे हैं लालू यादव। उसके आगे लिखते हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट पीपुल ऑफ बंगाल हु होल हार्टली वोटेड फॉर दीदी एंड डिड नॉट फॉल द विट्रोलिक एंड डिविजिव प्रोपेगेंडा ऑफ बीजेपी। तो इसका मतलब भी आपको बता दें कि जो लालू यादव ने जो बधाई दी है और उसमें जो कुछ वो शब्द लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है साफ तौर पर, आई वुड लाइक ऑल्सो थैंक टू कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑफ बंगाल पीपुल्स। बंगाल के लोगों को उन्होंने बधाई दी है, और साफ साफ लालू यादव ने कहा है कि बंगाल के लोगों को बधाई हो कि वो बीजेपी के झांसे में नहीं आए, बीजेपी की देश बांटो और राज करो वाली नीति के झांसे में वो नहीं आए, और जो उनकी जो घृणा वाली राजनीति है उसके झांसे में लोग बंगाल के लोग नहीं आए। तो बंगाल के लोगों को भी उन्होंने बधाई दी है और ममता दीदी को भी बधाई दी है। तो समझ सकते हैं लालू यादव कितने खुश हैं ममता दीदी के जीत की खुशी में, जीत की खुशी दिख रही है अभी से ही, क्योंकि जो तमाम रुझान है अब धीरे धीरे परिणामों में बदलने लगे हैं, और ममता दीदी की वापसी बंगाल में तय हो गई है, वो भी पूरी धमक के साथ, हनक के साथ। और लालू यादव इससे सबसे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लालू यादव बाहर आ गए हैं और ममता दीदी बंगाल में फिर से आ रही हैं, तो बिहार में अब खेला होबे। देखना होगा बिहार में कौन सा खेला होता है, क्योंकि लालू यादव थोड़े ही दिन बाद बिहार पहुंचेंगे, उसके बाद क्या कुछ होता है। तो अभी के लिए इतना ही, पर हम आपको बता रहे हैं कि बंगाल में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है ममता दीदी, और लालू यादव इस ममता दीदी की जीत से सबसे ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और गर्मजोशी के साथ उन्होंने बधाई दे दी है।
तो अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।